हमें इस मिट्टी की सौगंध, नेल्सन को इस खूनी खेल का मूल्य चुकाना ही होगा। समर भाऊ और कर्मा को हम उनकी कैद से छुड़ा कर रहेंगे। महारानी साहिबा, आप कुशल मंगल तो है ना? रघुनाथ जी, क्या महाराज ने समर सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया? जी महारानी साहिबा। महाराज ने, परंतु क्यों? हमें इस बात का जवाब महाराज से ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए महाराज, महारानी सकुशल वापस आ जाएंगी और समर सिंह की गिरफ्तारी भी शांतिपूर्वक होगी। मिस्टर नेल्सन ने इस बात का हमें वचन दिया है। महाराज, फोर्ट विलियम से गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संदेश आया है। पढ़कर सुनाया जाए। महाराज, गंगाधर राव नेवालकर को ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पर विचार विमर्श के लिए ग्वालियर की कमिश्नरी में आमंत्रित किया है। फोर्ट विलियम, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तुम जाओ। देखा महाराज, इन धूर्त फिरंगियों ने तय समय से पूर्व विचार विमर्श की योजना बना ली है। महाराज, हमें शीघ्र चलना चाहिए। ठीक है। रघुनाथ जी, हमें महाराज से स्थिति के बारे में चर्चा करनी है। समय बहुत कम है, हमें आपका घोड़ा चाहिए। अवश्य महारानी साहब। और एक बात और, इस गांव में जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए हर संभव सहायता की व्यवस्था कीजिए। जो आ गया महारानी साहब। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ठीक तो है? हाँ, हाँ ठीक है। साहब, दुर्गम पथ पर इस तरह घोड़े दौड़ाना जोखिम का कार्य है। हमारे पास समय नहीं है ताते गुरु, बहुत कुछ हो गया, अब हम और नहीं होने देंगे। हमें इसका निवारण ढूंढना ही है। चल। महाराज तो महल में नहीं है महारानी जी। वो कब लौटेंगे? वो ग्वालियर कमिश्नरी गए हैं, उन्हें लौटने में कुछ समय लगेगा। भाई साहब, शीघ्र दरबार बुलाया जाए और दरबार में नेल्सन को उपस्थित रहने का आदेश दिया जाए। जो आ गया भाई साहब। नेल्सन, इन पे कड़ी नजर रखना। बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली को चारे में फंसाना ही पड़ता है। समर भैया, ये तो पता चल गया, ये सारी फिरंगियन की चाल थी। पर भैया, हमें यहाँ से निकले का पड़ी, वरना हमारी रानी लक्ष्मी बाई को कोनो बड़ा संकट जरूर आ जाएगा। सर, एक मैसेंजर झांसी कोर्ट से आया है और क्वीन ऑफ झांसी ने आपको कोर्ट में बुलाया है। मैसेंजर को बोलो कि मैं अभी बिजी हूँ, क्वीन हमारा वेट करें। वेट, I also need a court order. Quickly. Regarding what, sir? झांसी नरेश गंगाधर को कुछ इतिहासकारों ने केवल नाटक और रासलीला में ही व्यस्त दर्शाया, परंतु भारतीयों के अतिरिक्त अंग्रेज इतिहासकारों ने भी उसकी देश के प्रति निष्ठा और बुद्धिमता को लिखने में संकोच नहीं किया। उसने अपने संपूर्ण जीवन में कई बार हिंदुस्तान के हर राज्याधिकारी को बुलाकर अंग्रेजों की दास्तां से छुड़ाने का आह्वान किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी पधार रहे हैं। Gwalior ke king, Awara ke Nawab, or Baki state say Aye king in Nawab's Khan. May East India Company ke behalf may welcome Karta Hoon. I am here as the Queen's messenger. We will be asking each and everyone what they think of our एजेंडा। माफ कीजिएगा, आपकी मनमानी बहुत बढ़ गई है। आप ऐसे किसी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे मिला सकते हैं? आप यहाँ व्यापार करने आए थे, हम पर शासन करने। हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हम तय करेंगे, आप नहीं। और इसके अलावा आपके कमिश्नर हमारे राज्य में जानबूझकर अराजकता का माहौल पैदा करते हैं और उसका रोक हमारे प्रशासन पे लगाते हैं। ये गलत है और हमसे सहन नहीं करेंगे। आपकी मनमानी हम कदापि न सहेंगे, कदापि सहन नहीं करेंगे। हम आप सब की समस्याओं से अवगत हैं। यदि आप उचित समझे तो आप सबका प्रतिनिधित्व हम करने के इच्छुक हैं। ठीक है झांसी नरेश। आज भी उसने डलहौजी के सामने कई राज्यों के राज्याधिकारियों को आमंत्रित करके अपना पक्ष रखने पर विवश कर दिया। सातारा आपने किस आधार पर अपने अधिकार में ले लिया? आपको उसका उचित कारण बताना होगा। हम इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी सहन नहीं कर सकते। Wait, I will give you an answer. The East India Company never forced anything on you. East India Company कभी मनमानी नहीं करती है। कानून बनाने से पहले आप सबकी राय लेती है, उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियम बनाते हैं, तब उस नियम पर हर एक्सीलेंसी इंग्लैंड की महारानी अपनी मोहर लगाती है, तब वो एक कानून का रूप लेता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन रियासतों को अपने अधिकार में इसलिए लिया क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। और जहां तक मुझे पता है, झांसी के महाराजा गंगाधर राव का भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए कानून को आपको भी मानने पर विवश होना पड़ेगा। और झांसी गद्दी का उत्तराधिकारी जितनी जल्द हो सके घोषित करें, अन्यथा झांसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चली जाएगी। हम आपके इस नियम से सहमत कैसे हो सकते हैं? हमारे राज्य का उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार हमें, आपको नहीं। यदि आप हमारे अधिकारों का हनन करेंगे तो उसका प्रतिउत्तर आपको मिलेगा। लंदन में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हम पर यह नियम जबरदस्ती लागू नहीं कर सकते। आपकी क्वीन कैसे ऐसे आदेशों की स्वीकृति देती है, कैसे दे सकती? Do not say anything against Her Excellency, our Queen. Yea law 1832 may he gaya banta. It will be strictly followed, and if you do not obey, then we will come back to the Jhansi and we will take it. झांसी के भविष्य के विषय में ईस्ट इंडिया कंपनी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम पर कोई आँच आती है तो हमारी महारानी राज्य करने के लिए संपूर्ण रूप से सक्षम हैं। भगवान न करे हमें ऐसा कुछ हो जाए। तो हमारी महारानी इतनी क्षमता रखती है कि वो झांसी का शासन कुशलता पूर्वक चला सकती। And a woman will rule the Jhansi if something happens to you. Even your queen is a woman, and I trust my queen more than yours. महारानी साहब, नेल्सन साहब ने दरबार में उपस्थित होने की अपनी असमर्थता जताई है। दादा जी, महारानी साहिबा को रोकिए। एक आप ही हैं जो महारानी साहिबा को रोक सकते हैं। ये उनके गरिमा के विरुद्ध है। नहीं रघुनाथ जी, मैं नहीं रोक सकता उन्हें। मैं क्या, इस सृष्टि की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उन्हें। जब वो शतचंडी का रूप धारण कर ले तो दुष्टों का संहार करके ही शांत होती है। और उससे पहले उन्हें रोक पाना असंभव है। असंभव। ए फिरंगी, रुक जा। ये ब्रिटिश जेल है और हम सिर्फ अपने ऑफिसर के ऑर्डर फॉलो करते हैं। मधु, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ हमारा जाना आवश्यक है। हमें आप लोगों को छुड़ाने के लिए अपनी राज शक्ति का उपयोग करना आता है। और तुम्हारे उच्च अधिकारियों को आदेश देने की भी राज शक्ति है हमारे पास, क्योंकि हम झांसी की रानी हैं। एक्सेलेंसी, आप यहाँ क्यों आए? मैं कुछ इम्पोर्टेंट वर्क में बिजी था। सर्टेन कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। सार्जेंट, सेल से आने वाले स्क्रीम्स क्यों रुक गए? अंडरस्टैंड, मुझे वर्क करते समय music चाहिए। Yes, sir. Get the music started. मुझे ये म्यूजिक बहुत पसंद है। बंद करो अपनी ये क्रूरता नेल्सन। हम तुम्हें उन दोनों को छोड़ने का आदेश देते हैं। I'm sorry, Your Excellency, but can you please tell me किस कैपेसिटी से आप ये आदेश दे रहे हैं? क्या तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं? Yes, I know. आप किंग ऑफ झांसी की वाइफ है और इसलिए आप क्वीन हैं। आपको किंग ऑफ झांसी को सजेशन करने का हक है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ झांसी का रिटन परमिशन है। हम भी देखते हैं कि तुम ये कैसे सिद्ध करते हो कि रॉस की हत्या समर बाऊ ने की है, क्योंकि ये इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। You're quite intelligent, Your Excellency. समर सिंह ने रॉस को नहीं मारा। I killed him. Yes, I killed him. समर सिंह ने रॉस को नहीं मारा। I killed him. Yes, आपके पास कोई प्रूफ है और आपसे बेहतर कौन जानते हैं कि प्रूफ की कीमत क्या होता है। I remember, आपने एक बार किसी को प्रूफ लाने के लिए कहा था। आज मैं तुम्हारी हत्या करूंगी, पर तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी भी साक्ष्य नहीं ढूंढ पाएगी कि ये हत्या मैंने की है। Just remember, Samar Singh and Karma going to die, and I'll see to it that it happens very soon. So, जाने से पहले please hear this. This is an official court order. It is written here that Samar Singh or Karma be hanged until death on the 14th of August at noon sharp.